हाय एवरीवन, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से एक बढ़िया सा स्नैक्स। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो चलो शुरू करते हैं स्नैक्स बनाना। तो दोस्तों, स्नैक्स बनाने के लिए ये मैंने बचे हुए चावल ले लिए हैं जो मेरे घर पे बच गया था। तो आप भी अपने घर पे जो भी चावल बच जाता है उसे ख़राब ना करें, फेंके ना। तो इस तरह का कोई भी बढ़िया सा स्नैक बना सकते हैं जैसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए और बनाइए। तो दोस्तों, ये मैंने सब्जी काट ली है स्नैक्स बनाने के लिए। ये मैंने थोड़े से शिमला मिर्च काट ली है और आधा गाजर बारीक चॉप कर लिया है, एक प्याज बारीक चॉप कर लिया है और एक पत्ता गोभी को भी बारीक चॉप कर लिया है और एक हरी मिर्च बारीक काट लिया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्ज़ी आपके घर में अवेलेबल है आप काट सकते हैं दोस्तों, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं चावल में सारी सब्ज़ी डाल दूँगी। तो बहुत इजी है दोस्तों, अगर आपको भूख लगी है, आप चावल का कुछ नया खाना चाहते हैं तो इसी तरह एक बढ़िया सा आप टिक्की जैसा स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर आटा 2 चम्मच ऐड करूँगी, 2 चम्मच चावल का आटा। आप अपने हिसाब से कोई भी आटा यूज कर सकते हैं, जैसे कि मक्के का आटा, गेहूं का भी आटा 2 चम्मच डाल सकते हैं। आटा हम इसीलिए डालते हैं ताकि स्नैक्स बनाने के लिए चावल अलग अलग ना रहे और एक डो की तरह तैयार हो जाए। तो इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, 1 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लैक्स। चिल्ली फ्लैक्स दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर डालें। और 1 छोटा चम्मच मैंने ओरिगानो पाउडर ले लिया है, ये भी ऑप्शनल है, इसकी जगह आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो आपके पास जो भी मसाले हैं आप सब डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। अब मैं चुटकी भर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसका एक डो तैयार करूँगी, सॉफ्ट डो दोस्तों, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और गिल्ला भी नहीं। तो ये देख सकते हैं चावल अभी ड्राई लग रहा है। तो मैं इसमें आधा कटोरी पानी ले ली हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं एक डो तैयार करूँगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, पानी हाथ में थोड़ा थोड़ा लेके डो बनाए, नहीं तो डो या तो बहुत ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए मैं डो तैयार करूँगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह का तैयार हुआ है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं बढ़िया सा डो मैंने एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो अब मैं एक छोटा सा लोई जितना लूँगी, आप अपने हिसाब से ले। तो मैं अब एक टिक्की जैसा बनाऊँगी दोस्तों, जैसे आलू टिक्की रहता है उसी तरह आप अपने स्वाद अनुसार अपने मनपसंद की कोई भी शेप में टिक्की बना सकते हैं इस तरह। तो गैस पर दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, हाई फ्लेम पर आँच रखा है आँच को, और तेल को बढ़िया से गर्म रखना है पहले। इसके बाद दोस्तों, मैं जो मैंने स्नैक्स टिक्की बनाया है एक एक करके तेल में ऐड कर दूंगी। तेल को पहले अच्छे से गरम कर ले दोस्तों, तभी टिक्की डालें। उतना ही टिक्की डालें जितना तेल आपके कढ़ाई में है ताकि डीप फ्राई अच्छे से हो जाए स्नैक्स। तो अब मैं टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और बीच बीच में दोनों तरफ से ऐसे पलटी करते हुए पकाना है दोस्तों। और आँच को मीडियम कर देना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से पक भी जाए। तो इसी तरह पलट पलट के पकाते रहना है जब तक ये बढ़िया सा कलर ना आ जाए गोल्डन ब्राउन में। तो देख रहे हैं ना, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये चावल से बना हुआ स्नैक्स है, बढ़िया सा नाश्ता है। जिसको भी देंगे खुश हो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, अरे इसने मुझे बचे हुए चावल से खिला दिया। ये देख सकते हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, चाहे तो आप टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा स्नैक्स रेडी हो गया है, तो आप भी मेरी तरह बनाए। दोस्तों, अब मैं एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो आप भी मेरी तरह बचे हुए चावल को वेस्ट ना करें और एक बढ़िया सा टिक्की स्नैक्स बना के तैयार करें और अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। तो दोस्तों, मैं टमाटो चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और एक मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना बढ़िया ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और लाइक करना ना भूलें।
अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।